keep up with your style. हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल एडवाइजर हिंदी में। तो दोस्तों, आपने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपडेट, टिप्स एंड ट्रिक्स, ट्यूटोरियल आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज हमारा ड्रीमवीवर का ट्यूटोरियल पार्ट 6 है, जो कि हमने इंसर्ट पे लिया था कि इंसर्ट हमने चलाया था यहाँ पे इंसर्ट चलाया था, फुटर तक हमने लिया हुआ था। तो अभी हमारा HTML फॉर्म, बूटस्ट्रैप, कंपोनेंट, ये सब कुछ बाकी रह गया है हमारा। तो अभी हम यहाँ पे HTML से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है कि सारे के सारे टैग बता रहा है। तो ये फिगर टैग है हमारा, कि वो जो मोबाइल बेज रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है, तो मैं यहाँ से खाली ओनली फॉर कोड व्यू कर देता हूँ और ये सब कुछ टैग को मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो दोस्तों, HTML में यहाँ पे फिगर है, अनऑर्डर लिस्ट है, ऑर्डर लिस्ट आता है, लिस्ट आइटम आता है, वो सब कुछ हमने OL UL सीखा, वही आता है। देखिए, ऑर्डर लिस्ट लेता हूँ तो OL आ जाता है। यहाँ पे अभी जाके मैं LI लेता तो लिस्ट आइटम आ जाता है, और यहाँ से अभी हम जाते हैं तो ये हेडर आता है, नेविगेशन मेनू, यहाँ पे जो आता है वही HTML में आता है। यहाँ पे देखिए, आर्टिकल, फुटर, मेटा, कीवर्ड्स आता है। देखिए यहाँ कीवर्ड्स पे आप यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स डाल देना चाहते हो यहाँ पे डायरेक्टली डाल सकते हो। यहाँ पे दूसरा आता है हमारा मेटा टैग, जो कि यहाँ पे लगा हुआ बाय डिफॉल्ट ले आता है। इसके बाद आता है डिस्क्रिप्शन, में डिस्क्रिप्शन जो भी हमें कुछ लगाना हो, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लगा के कुछ भी लिख के दे देता हूँ। तो देखिए, ये डिस्क्रिप्शन मेटा टैग में डिस्क्रिप्शन का टैग लग गया। ये सब कुछ मेटा टैग के अंदर हेडलिंक होता है, व्यू पोर्ट, स्क्रिप्ट, हाइपरलिंक, जो कि हमने भी आपको लगाना सिखाया था, उसका एक अलग से ट्यूटोरियल हमने बना के आपको दिखाया था। ईमेल लिंक्स, वो सब कुछ हाइपरलिंक में आता है। यहाँ पे हमें टेक्स्ट दे देना है और यहाँ पे ईमेल दे देना है, तो ये सब कुछ सेम ही है, हाइपरलिंक की तरह ही है। यहाँ पे HTML वीडियो, जो कि हमें वीडियो लेना हो तो वीडियो टैग का यूज़ करते थे, वो वीडियो में आता है। अभी उसके बाद आएगा कैनवा टैग, कैनवास टैग आता है, ये भी हमने आपको सिखाया था। यहाँ पे एनिमेटेड कंपोनेंट, HTML ऑडियो, जो कि हमने ऑडियो टैग लिया था, SWF फाइल आती है ना, कि उसमें फ्लैश फाइल चलती है, वही आता है उसमें। उसका मैं एक ट्यूटोरियल आपके लिए बनाऊंगा आगे, HTML के ट्यूटोरियल के अंदर। और यहाँ से फ्लैश वीडियो आता है, प्लगइन्स आता है, आई फ्रेम मैंने आपको अलग से उसका ट्यूटोरियल बना के सिखाया था, ओरिजेंटल रूल्स आते हैं, डेट, यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। और उसके ऊपर भी हमारे थोड़े टैग्स रह गए, मैं आपको दिखाना भूल गया, यहाँ पे भी कुछ टैग्स रह गए। ये ड्यू रह गया, इमेज टैग, पैराग्राफ, टेबल, फिगर, इतने बाकी के 4 टैग रह गए थे। तो ये बहुत ही अच्छा होता है ड्रीमवीवर में, इंसर्ट में बहुत ही शॉर्टकट तरीके से, आपको कोई टैग लिखना नहीं आता तो आप यहाँ से ले सकते हो। तो दोस्तों, अब हम आते हैं फॉर्म पे। फॉर्म पे देखिए, फॉर्म में बहुत ही ज़्यादा आइटम आती है। हमें फॉर्म के लिए मैं आपको अलग से ट्यूटोरियल बना के दिखाऊंगा, तब मैं सब कुछ यहाँ से इंसर्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम चलते हैं बूटस्ट्रैप कंपोनेंट्स में, क्योंकि बूटस्ट्रैप इसमें पूरा का पूरा आता है, बूटस्ट्रैप आपको लेना नहीं पड़ता है। देखिए, कंटेनर फ्लूड, इसका जो भी कुछ होता है क्लास, सब कुछ क्लास यहाँ पे आ जाता है। जेक्वेरी मोबाइल UI, तो जेक्वेरी में आता है, और जेक्वेरी तो आप आगे बढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा। कस्टमाइज योर फेवरेट्स, इसमें आप कस्टमाइज कर सकते हो कि आपका कौन सा फेवरेट टैग है, आप ज़्यादा यूज़ में किस टैग को लेते हो, वो यहाँ से आप डाल सकते हो। टेम्पलेट्स में आप किसी भी टेम्पलेट को बना सकते हो और यहाँ से टेम्पलेट को एडिट कर सकते हो और ले सकते हो। तो ये हमारा इंसर्ट का हमारा ट्यूटोरियल आज ख़त्म होता है यहाँ से। आगे हमारा ट्यूटोरियल होगा टूल्स के बारे में, यहाँ पे टूल्स है उसके बारे में आपको सिखाऊंगा। तो ये हमारा जो मेन ट्यूटोरियल होगा वो टूल्स का होगा, और ये फाइंड में भी अच्छा काम करेगा और विंडोज़ में भी करेगा अच्छा काम। साइट का तो आपका कुछ काम का नहीं है, यहाँ से डायरेक्टली आपको साइट का फोल्डर बना के आता है सब कुछ। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं रोज़ाना आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो ला सकूँ। तो जय हिंद, वंदे मातरम।